सीपीआईएम की पोलिट ब्यूरो सदस्य वृंदा करात ने मंगलवार को अपने त्रिपुरा दौरे के दौरान प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के लिए 6 महीने पुरानी बीजेपी सरकार की जमकर निंदा की। उन्होंने राज्य में लोगों की भीड़ द्वारा पीट पीट कर की गई किसी शख्स की हत्या की घटनाओं के लिए भी बीजेपी सरकार को ही दोषी ठहराया। करात ने कहा कि पिछले 25 साल में वामपंथी सरकार के समय इस तरह की वारदात नहीं हुई थी। करात पैराडाइज चौमुहानी में ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन की प्रदर्शनकारियों को संबोधित कर रही थी। एसोसिएशन ने महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों के खिलाफ 5 घंटे का धरना प्रदर्शन किया। देश को भिखारी मुक्त करने की मुहिम के साथ भारत यात्रा पर निकला आशीष शर्मा नामक शख्स सोमवार को आइजोल पहुंचा। दुआएं फाउंडेशन का संस्थापक आशीष शर्मा पूरे देश का दौरा कर बच्चों द्वारा भीख मंगवाए जाने के खिलाफ लोगों में जागरूकता फैला रहा है। सोमवार को आइजोल पहुंचने के बाद वह तकरीबन 112 किलोमीटर दूर मिजोरम के ममित शहर की ओर निकल पड़ा है। आशीष ने अगस्त 2017 में अपना सफर जम्मू कश्मीर से शुरू किया था। उसका उद्देश्य था 17,000 किलोमीटर की दूरी तय करना और इस बीच आशीष 8,956 किलोमीटर का सफर तय कर चुका है। I'll talk about the journey first of all. I started this campaign from Jammu Kashmir on 22nd August 2017 and so far I have walked 9,003 km last night. And this campaign is Unmukt India, the main motto of this campaign is to make India child beggar free. So that by 2020 we can send each and every kid of our India to work. So this campaign I started it all around India and so far I have covered Jammu, Himachal, Punjab, Haryana, Rajasthan, Gujarat, Daman, Silvasa, Maharashtra, Goa, Madhya Pradesh, Uttarakhand, UP, Bihar, Sikkim, Assam, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur. Here in Mizoram and I'm meeting people randomly. I'm covering schools, colleges, DM, administration and so far 35 IAS officers working along me in this project. And I'm requesting people not to give even a single penny to any child beggar if you see anywhere in India so that we can send each and every kid to a school. It was the vision of Abdul Kalam Azad sir who wanted to send and see each and every kid in a school by 2020. But right now he's not among us, but still this generation who's listening this should try and put efforts to put India into a full 100% educated nation. त्रिपुरा में बीजेपी और आईपीएफटी की मिलीजुली सरकार ने यह फैसला लिया है कि कोई भी नौकरशाह जींस या धूप में पहनने वाला चश्मा पहनकर अपनी ड्यूटी नहीं करेगा। सरकार के इस फैसले की विरोधी पार्टियां सीपीएम और कांग्रेस ने जमकर आलोचना की है। कांग्रेस और सीपीएम ने इसको सरकार की सामंती मानसिकता करार दिया है। राज्य के मुख्य सचिव सुशील कुमार ने कहा कि उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में राज्य स्तरीय आधिकारिक बैठकों के दौरान कुछ लोगों को ड्रेस कोड अपनाने के लिए कहा था। What song we'll sing, they will select. What religion we want, they will select. It is the BJP Modi government. We are going to again to the British rule. My first reaction is that we topple the British. By 200 years freedom struggle. Now this BJP, now this government Tripura, they're directly taking these dress codes. British has done. Dress code for officers, the bureaucrats and the administration is nothing but dilute the basic problem
and to divert the attention of the people from the basic problem of the people, the economic problem, what people are facing. They are trying to make their failure on all fronts. आखिरकार सिक्किम वासियों की लंबित मांग पूरी हुई। गंगटोक के तदोंग इलाके में शहरी विकास और आवास विभाग के मंत्री एनके सुब्बा ने पैदल चलने वालों के लिए मंगलवार को राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर एक फुट ओवर ब्रिज का उद्घाटन किया। इस राजमार्ग से स्कूल और सिक्किम यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं को हर रोज गुजरना पड़ता है। ऐसे में उन्हें होने वाली मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए लंबे समय से इस पुल की मांग की जा रही थी। 1,80,00,000 रुपयों की लागत से इस पुल का निर्माण किया गया है। टोटल टेंडर कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज 1.08 crore एंड इंक्लूडिंग एस्केलेशन टोटल टेंडर कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट व्हिच इज गिवन टू द कॉन्ट्रैक्टर इज 1.41 crore। सो दिस इंक्लूड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर एंड एलाइड वर्क इज कंस्ट्रक्शन ऑफ झोड़ा ट्रेनिंग वर्क व्हिच इज जस्ट बिलो द फ्लाईओवर। इट गोज फ्रॉम दिस नेशनल NH10 एंड इट टचेस NH10 डाउन इन 5th mile। And the span of the bridge is 20 meter, and it is mainly for the students of the Tadung students.